के साथ रथ तैयार करके अभी जा रहे हैं। इसके बाद जहाँ जंगल में भंते जी हैं, गुंडा जंगल में, गुंडा जंगल के पास रथ ले करके उसी बगल में रथ को छोड़ दिया। फिर रथ नहीं जा सकते जंगल के अंदर। राजा एवं बाकी सारे लोग पैदल बांते जी के पास आ गया। आकर के बांते जी को नमन करके बातचीत करके बैठ गया। बैठने के बाद वो अवंती पुत्र राजा महाकच्चन बांते जी को बताते हैं, महाकच्चन बांते जी ब्राह्मण लोग ऐसा कहते हैं। कौन है ब्राह्मण लोग? पंडित लोग, ब्राह्मण। हाँ, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण लोग यानी कि पंडित लोग ऐसा कहते हैं। ये ब्राह्मण लोग ही श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, बाकी सारे लोग नीच जात के हैं। इन लोग क्या कहते हैं, ये पंडित लोग सबसे ऊंचा जात के हैं, बाकी सभी लोग नीच जात के हैं। और घोरा रंग, गोरा रंग होता है ब्राह्मण लोग, पंडित लोग, बाकी सभी लोग काले काले हैं, कुरूप हैं। इसके बाद सिर्फ ब्राह्मण लोग पवित्र हैं, पंडित लोग सिर्फ पवित्र हैं, बाकी सभी लोग अपवित्र हैं। इसके बाद उन लोगों ने बताया, ये ब्राह्मण लोग महाब्रह्म जी का दिल से उत्पन्न हुआ है। ये ब्राह्मण लोग कहाँ से उत्पन्न हुआ? महाब्रह्म जी का दिल से उत्पन्न हुआ। बाकी सभी लोग पैर से जन्म लिया है, बाकी सारे जात के लोग दूसरा दूसरा जगह से जन्म लिया। इसलिए ब्रह्म जी का बेटा है कौन? ब्राह्मण, ब्राह्मण पंडित लोग। ब्रह्म जी ने बना दिया किसको? ब्राह्मण पंडित लोगों को। ब्रह्म जी का दहेज है ब्राह्मण पंडित लोग। अब ये कौन कहता है? पंडित लोग कहता है। ये बात बांते जी को कौन कहता है? पुत्र राजा बांते जी को कहता है। बांते जी ब्राह्मण लोग ऐसा कहते हैं समाज में। अब ये समानते हैं ना ब्राह्मण लोग? हम लोग बड़ा है, हम लोग सभी लोग नमन करना चाहिए, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हम सबसे बड़ा है, हम लोग गोरे हैं, बाकी सब काले हैं, और हम लोग पवित्र हैं, वेजिटेरियन है, बाकी सब तो अपवित्र गंदे हैं। ऐसा करके अभी भी समाज में ऐसा है ना, पंडित जी लोग आते पूजा करने के लिए। इसके बाद पूछा, ये बात के बारे में महाकच्चन बांते जी क्या सोचते हैं? ऐसे पूछा। महाकच्चन बांते जी बताया, महाराज ये दुनिया में ऐसा बातचीत तो चल रहा है। क्या बातचीत है? ये ब्राह्मण के जात के लोग, पंडित के जात के लोग ही श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, ऊंच होता है, बाकी हर एक जात के लोग नीच हैं। और ब्राह्मण जात के लोग ही घोरा है, बाकी सभी लोग काले काले हैं। ब्राह्मण लोग सिर्फ पवित्र हैं, बाकी सभी लोग अपवित्र हैं। अपवित्र हैं ब्राह्मण लोग महाब्रह्म जी का दिल से उत्पन्न हुआ है, बाकी सभी लोग इधर उधर से। और कहता है मुंह से जन्म लिया है, और महाब्रह्म जी ने उन लोगों को बना दिया, बाकी लोगों को दूसरा दूसरा कोई बना दिया है। और ब्राह्मण लोग श्रेष्ठ होता है और लोग नीच होता है। ब्राह्मण लोग ही महाब्रह्म जी का दहेज है, बाकी लोग नहीं। ऐसा दुनिया में बातचीत चलता सही है? बांते जी कह रहे हैं हाँ, ये बात तो दुनिया में चलता है, मगर महाराज आप क्या सोचते हैं? एक क्षत्रिय जात के कोई हैं। क्षत्रिय जात मतलब नहीं पता। राजा का जात के, राजा का जात कोई रहे ना, ये सुनते और लो, क्षत्रिय जात के कोई हैं, उस वो धन संपत्ति से, उसका पास धन संपत्ति बहुत अरबों पैसा है, चांदी है, हीरा है, सोना है,
सब कुछ उसके पास है। ऐसा सब कुछ उसके पास होने के कारण कोई कोई शास्त्री लोग उसको इज्जत करेगा कि नहीं? यस सर। हाँ, कैसे सर जी? अगर उसको सेवा करेगा तो सबसे पहले वो नौकर बन जाता है, नौकर बन के सेवा करता है शास्त्रीय जात के लोग, और बहुत अच्छे से इज्जत सत्कार सम्मान करता है ना। अगर ब्राह्मण जात के लोग भी उसको इज्जत करता है कि नहीं? यस। अगर सोचिए, ये पुलिस थाना का सबसे बड़ा ऑफिसर शास्त्रीय परिवार का है, राजा का परिवार का। जी, जी। कोई ब्राह्मण पंडित गया तो हाँ कैसा है, मेरा काम कर दो, ऐसे कहेगा? नहीं जी, मेरा काम कर दीजिए सर, ऐसा कहेगा कि नहीं? जी जी। धन संपत्ति सोना चांदी जिसका पास है उसको सभी लोग इज्जत करता है, उसको हर एक जात के लोग, राजा का जात के लोग, ब्राह्मण जात के लोग, और वैश्य जात के लोग, वैश्य जात मतलब बिजनेस करने वाले, खेती करने वाले लोग भी इज्जत करता है, और नीच जात के लोग, सबसे नीच जात के लोग भी इज्जत करते। ऐसा धन संपत्ति हीरा चांदी जिसके पास उसको इज्जत सत्कार सम्मान करता है। ये बात सही है या गलत है? सही है। हाँ, वो राजा अवंती पुत्र राजा भी बताया कच्चायन बांती जी, ये बात तो सही है। इसके बाद बताया पुण्यवान महाराज, आप क्या सोचते हैं? कोई ब्राह्मण जात के कोई अमीर है, धन संपत्ति है, सोना चांदी हीरा मानी सब कुछ उसके पास है, कोई चीज का कमी नहीं, वो तो सेठ जी जैसा बहुत बड़ा महल में रहता है, उसको सभी लोग इज्जत करता है कि नहीं? सभी लोग इज्जत करता है, नमन करता है, आकर बताते हैं सर जी हमको कुछ नौकरी दे दीजिए, ऐसे कहता है। कोई कौन सा जात के लोग? सभी जात के लोग उसको इज्जत सत्कार सम्मान करता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी, उसके पास धन, उसके पास सारे धन संपत्ति सब कुछ सुविधाएं उसके पास है, इसीलिए। इसके बाद बताए महाराज, आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? कोई वैश्य परिवार के, वैश्य जात के कोई हैं, वैश्य जात मतलब बिजनेस करने वाला, बिजनेस करने वाले, खेती करने वाले, नहीं 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 वैश्य खेती उती बिजनेस करने वाले, ऐसा कोई एक आदमी है तो वो बहुत ऊंच है, उसके पास धन संपत्ति सब कुछ है, सारी सुविधा है, हीरा मानी सब कुछ, बहुत बड़ा आदमी है। उसके सामने राजा के जात में कोई गया तो इज्जत सत्कार सम्मान करता है कि नहीं? जीवंती जी। करता है। और ब्राह्मण लोग उसके पास गया तो इज्जत सत्कार सम्मान करेगा नहीं क्या? करता है, करना पड़ता है। नीच जात के लोग भी करता है, उसके जात के लोग भी उसको इज्जत सत्कार सम्मान करता है। इसके बाद और कोई है, वो नीच जात के हैं, बहुत नीच जात का है, एकदम सबसे नीच जात, लो कास्ट का, सबसे नीच जात का, मगर उसके पास सब कुछ सोना चांदी हीरा मनी धन संपत्ति सारी सुविधा सब कुछ भरा हुआ रहता है। सब कुछ भरा हुआ रहता है तो पूछ रहे थे ऐसा नीच जात के हैं मगर उसके पास सारे धन संपत्ति तो है, उसको सभी लोग इज्जत सत्कार सम्मान करते हैं कि नहीं? सारे लोग उसको इज्जत सत्कार सम्मान देता है, कोई उसको डांटता नहीं है। अभी कौन कितना जात के बारे में? चार जात के बारे में बताया ना। देखिए, भगवान बुद्ध के समय में भी जात पात था, कौन था पहले?
ब्राह्मण पंडित लोग, इसके बाद क्षत्रिय लोग, इसके बाद वैश्य लोग, इसके बाद नीच लोग, शूद्र लोग, शूद्र कहते हैं नीच। ये चार जात और बांट गया, ब्राह्मण लोग भी अलग 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 पार्ट्स में बांटा गया, शास्त्रीय लोग भी अलग 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 पार्ट से बांटा गया, वैश्य लोग भी अलग 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 पार्ट से बांटा गया, शूद्र लोग भी अलग 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 पार्ट में। अभी कितना सारे जात हैं? बहुत सारे जात पात है ना, अभी बहुत सारे हजार हजार जात हैं, अभी अलग अलग नाम से जात पात अभी हैं। तो अभी मतलब अभी क्या बताए थे, कोई भी जात के लोग अगर धन संपत्ति है तो उसे सम्मान करता, सभी लोग इज्जत सत्कार सम्मान करता है। तो अभी बंते जी ने पूछा, महाराज आप क्या सोचते हैं? इसी प्रकार देखेंगे तो ये चार जात के सभी लोग, हर जात के लोग सभी लोग बराबर है ना, जिसका पास शक्ति है, जिसका पास पावर है, उसको सब इज्जत सत्कार सम्मान करता है ना। कोई कोई दर्जी का काम करता है, पंडित लोग करता है कि नहीं, कभी कभी चाय दुकान चलाता है, कभी कभी होटल में झाड़ू मारता है ना, कभी कभी नीच जात के लोग महामंत्री है ना, बहुत बड़ा ऑफिसर, बहुत बड़ा होटल का मालिक बन गया नीच जात के, उसके पास जाकर के जो पंडित लोग जाके, हाँ हमको इसी होटल में रहने देना पड़ेगा, हम पैसा नहीं देंगे, हम ब्राह्मण हैं, एक लात मार के भगा देंगे, जाओ इधर से, है ना। जीवंती जी, इसका मतलब जात पात का, जात पात बराबर है ना जीवंती जी समाज में। इसको पूछ रहे थे महाराज आप क्या सोचते हैं, यहाँ कोई क्षत्रिय जात के कोई राजा या तो फिर उसी जात के कोई प्राणियों को हत्या करता है तो, चोरी करेगा तो, व्यभिचार करेगा तो, झूठ बोलेगा तो, चुगली करेगा तो, गाली देगा तो, फालतू बात करेगा तो, बोलेगा तो, दूसरों का संपत्ति पर जलन इच्छा लोभ करेगा तो, और क्रोधी गुस्सा मन से रह गया तो, और मिथ्या विश्वास सब उसका मन में रह गया तो, मिथ्या दृष्टि में रह गया तो, वो मरने के बाद नरक में जाएगा या नहीं जाएगा? नरक में जाएगा। उसको कह सकता है क्या, हाँ नहीं नहीं हम राजा का जात के हैं, हमको नरक में नहीं जाना है, बच पाएगा? नहीं बंती जी। वो राजा ने बताया महाकच्चा ने, बंती जी अगर वो शास्त्रीय परिवार की कोई हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा, चुगली, कठोर, फालतू बात बोल करके, लोभी मन से क्रोध गुस्सा करके, मिथ्या विश्वास में रह गया तो वो तो नरक में जाएगा ही। इसके बाद बताया और लोग हैं महाराज, वो ब्राह्मण जात के हैं, ब्राह्मण जात के हैं, वो क्या करता है, प्राणियों को हत्या करता है, पंडित जी हैं मगर चोरी करता है और व्यभिचार करता है, दूसरों के पास जाकर गलत काम करता है, इसको झूठ भी बोलता है, नशा भी करता है, चुगली करता है, फिर गाली देता है, फालतू बात बोलते रहता है, लोभ करता है दूसरों को संपत्ति पर, इसके बाद मिथ्या दृष्टि, क्रोध गुस्सा करता है और मिथ्या दृष्टि में रहता है। वो पंडित जी मरने के बाद देवताओं के पास जाएगा? नहीं, सीधा नरक में या जानवर बन जाएगा। ऐसा है तो उसी को कभी बच सकता है क्या? नहीं। अरे हम पंडित जी, हम कितना पूजा कर रहे थे, हमको बचाना, हम कितना भगवान को पूजा कर रहे थे, हमको नरक में नहीं ले जाना है, ऐसे करके रह सकता है क्या? नहीं। अगर इधर के लोग कहेगा नहीं नहीं पंडित जी नहीं जाएगा, वो तो पुजारी है, वो तो भगवान को पूजा कर रहा है, लेकिन वो ठगेदार है तो, वो दूसरों को जोर भी बोलेगा तो, चुगली भी करेगा तो बहुत गुस्सा भी करता है ना पंडित लोग, नशा भी करता है, बोलता है हम लोग वेजिटेरियन, लेकिन जाके मांस भी खाता है, ऐसा करके उन लोग रह गया तो उन लोग कभी मम्मी देवताओं के पास जाएगा? नहीं, नहीं, नरक में जाएगा।
और लोग हैं कौन है, वो वैश्य परिवार के हैं, बिजनेस करने वाले, वो भी प्राणियों का हत्या करेगा तो, चोरी करेगा तो, व्यभिचार करेगा तो, झूठ बोलेगा तो, नशा करेगा तो, चुगली करेगा तो, गाली देगा तो, फालतू बात बोलेगा तो, नोट नहीं, दूसरों का संपत्ति पर लोभ करेगा तो, क्रोध गुस्सा से रह गया तो, मिथ्या दृष्टि में रह गया तो, वो मरने के बाद नरक में जाता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और नीच जात के कोई है, वो भी अगर चोरी करेगा तो, हत्या करेगा तो, व्यभिचार करेगा तो, झूठ बोलेगा तो, नशा करेगा तो, चुगली करेगा तो, दूसरा गाली देगा तो, दूसरा बात बोलेगा तो, दूसरा सुख संपत्ति देकर लोभ करेगा तो, मिथ्या दृष्टि क्रोध गुस्सा करेगा तो, मिथ्या दृष्टि मिथ्या विश्वास में रह गया तो, वो नीच जात के आदमी भी मरने के बाद नरक में जाता है। बताया महाराज ऐसा है तो उसी प्रकार देखेंगे तो सभी लोग बराबर हैं। जो कोई हत्या करेगा तो वो भी नरक में जाता है। कोई बच सकता है क्या? हम तो ऊंचा जात के ऊंच हैं, हम तो नीच जात के नहीं है, बाकी सब नीचे, उन लोग नरक में जाएगा, लेकिन हम नहीं, हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, जा पाएगा? नहीं जा पाता है। इसके बाद बताए महाराज ऐसा है तो, ये फालतू बात चलता है समाज में, वो एक ऊंचा एक नीच है, कोई मतलब का नहीं है जात पात का। बताए महाराज आप क्या सोचते हैं, यहाँ कोई क्षत्रिय परिवार की कोई है, वो प्राणियों को हत्या नहीं करता है, चोरी भी नहीं करता है, व्यभिचार भी नहीं करता है, झूठ भी नहीं बोलता है, नशा भी नहीं करता है, चुगली नहीं करता है, गाली नहीं देता है, फालतू बात नहीं बोलता है, दूसरों के संपत्ति का लोभ नहीं करता, लोभ नहीं करता, क्रोध गुस्सा नहीं करता, क्रोध गुस्सा नहीं करता, गाली नहीं नहीं, मिथ्या दृष्टि में नहीं रहता, मिथ्या दृष्टि विश्वास नहीं करता है। वो मरने के बाद नरक में जाएगा या देवलोक में जाएगा? देवलोक में जाएगा, देवताओं के पास जाएगा, है ना? वैसे ही है, कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण पंडित जी है, वो हत्या नहीं करेगा तो, चोरी नहीं करेगा तो, व्यभिचार नहीं करेगा तो, झूठ नहीं बोलेगा तो, नशा नहीं करेगा तो, चुगली नहीं करेगा तो, फालतू बात नहीं बोलेगा तो, दूसरों को संपत्ति दे, दूसरों का संपत्ति पर लोभ नहीं करेगा तो, क्रोध गुस्सा नहीं करेगा तो, मिथ्या दृष्टि विश्वास नहीं करेगा तो, मरने के बाद पंडित जी नरक में जाएगा? नहीं, देवताओं के पास जाएगा। वैसे ही है, वैश्य जात के कोई या तो फिर नीच जात के कोई प्राणियों का हत्या नहीं करेगा तो, और चोरी नहीं करेगा तो, व्यभिचार नहीं करेगा तो, झूठ नहीं बोलेगा, नशा नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा, फालतू बात नहीं करेगा, गाली नहीं करेगा तो, गाली नहीं देगा, गाली नहीं देगा, दूसरे को सुख संपत्ति देकर लोभी नहीं करेगा, लोभी नहीं करेगा तो, क्रोध गुस्सा नहीं करेगा तो, मिथ्या दृष्टि नहीं रहता, मिथ्या दृष्टि में नहीं रह गया तो, वो नीच जात के आदमी भी देवलोक में नरक में जाएगा? देवलोक में। अगर कोई चिल्ला के बात तो नीच जात की, उसको नरक में जाना चाहिए, जाएगा वो नरक में? नहीं जाता है। तो बताया महाराज इसी प्रकार अगर देखेंगे तो, इसी प्रकार समझ लेंगे तो, सभी लोग सेम है, बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं है, नहीं है। उसी प्रकार देखेंगे तो किसी का कोई फर्क दिखाई नहीं देता है, सभी लोग बराबर हैं। ऐसा है तो महाराज, ब्राह्मण लोग पंडित लोग कहता है, ये ब्राह्मण लोग समाज में सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे ऊंच जात के हैं, उन लोग पवित्र है, बाकी सभी लोग अपवित्र है, उन लोग घोरा है, बाकी सभी लोग काला है, उन लोग ब्रह्म जी का दिल से उत्पन्न हो, बाकी लोग नहीं, फालतू फालतू, और इसके बाद उन लोग ब्रह्म जी का दहेज है, बाकी लोग नहीं है। ए साहब, ये बात सही है क्या समाज में? नहीं, एकदम गलत।
इसके बाद बताया, महाराज आप क्या सोचते हैं, अगर कोई क्षत्रिय परिवार के कोई आदमी चोरी करेगा तो दूसरों का घर घर जाकर घर तोड़ के लूटेगा तो, और दूसरा औरतों की स्त्रियों के पास जाकर गलत काम करेगा तो उसको पकड़ लेता है, पकड़कर महाराजा के पास जाकर के दिखाता है, महाराज ये शास्त्रीय जात के ये आदमी दूसरों का घर घर तोड़ के चोरी किया और दूसरा औरतों के पास जाकर गलत काम किया, आप जो दंड दिया जाए दिया जाइए, जो दंड देना है दे दीजिए। इसके बाद बांते जी पूछा, ऐसा चोर मिल गया तो महाराज क्या करेगा? ओ महाराज बताया, बांते जी अगर ऐसा चोर मिल गया तो जरूर उसको मृत्यु दंड दे देगा, ये तो बहुत बदमाश आदमी है, बहुत खतरनाक है, इसको मारना चाहिए, या तो फिर उसका सारे धन संपत्ति को सरकार ले लेता है, ऐसा नहीं तो देश से बाहर फेंटाता है, हटा देता है देश से, क्योंकि उसके पास जो शास्त्रीय नाम था वो अभी क्या हो गया, खत्म हो गया, अभी क्या नाम उसके पास है, चोर, चोर है ये जो चोर है, ऐसा नाम आ गया ना जी, अभी उसका जात का नाम हट गया। इसके बाद बताया महाराज, अगर ब्राह्मण जात के पंडित कोई ऐसा चोरी करेगा तो घर द्वार तोड़ के लूटेगा तो रात रात जाके, इसके बाद दूसरा औरतों के पास स्त्रियों के पास जाकर गलत काम करेगा तो उसको पकड़ लेता है, अपराध करने वाला उसी ब्राह्मण पंडित जी को पकड़ के राजा को दिखाता है, महाराज ये ब्राह्मण ऐसा ऐसा किया तो राजा क्या दंड दे देगा, मृत्यु दंड, जरूर उसको मृत्यु दंड देगा, या तो सब सुख संपत्ति लेकर सरकार काट देगा, ऐसा बहुत खतरनाक दंड देगा ना जीवंत जी। उसी समय वो ब्राह्मण रहता है क्या, नहीं, उसको समाज कैसा देखता, चोरी, चोर जैसा देखता है। एक लड़की को रेप किया ना दिल्ली में, उसमें ब्राह्मण जात के भी थे, तो देखिए अभी कोई भी कहता था कि ब्राह्मण ऐसे किया है, सभी लोग कहते हैं बहुत बदमाश, एक लड़का लोगों ने किया है कहता है ना। इसके बाद बताया, अगर कोई वैश्य या तो फिर नीच जात के कोई ऐसा लूट के दूसरा घर जाके तोड़ के चोरी करेगा तो स्त्रियों के पास जाके गलत काम करेगा तो वो राजा के पास जाके दिखाने पर राजा क्या दंड देगा, मृत्यु दंड या सरकार, उसको कहेगा ये तो नीच जात के हैं, ऐसे कहेगा नहीं ये तो चोर है, चोर नाम से उसको सभी लोग जान जाता, प्रसिद्ध होता है। इसके बाद बताया, महाराज आप क्या सोचते हैं, इसी प्रकार हो गया तो ये हर एक जात के लोग बराबर हैं, अलग अलग हैं, बराबर हैं, चोरी गलत काम करेगा तभी सब बराबर हैं, पुण्य करेगा तभी सब बराबर हैं। इसके बाद बताया महाकाच्यायन, महाराज पूछ रहे थे, महाराज बता रहे थे बांते जी उसी प्रकार देखेंगे तो चार जात के लोग बराबर हैं, आजकल हजारों हजार जात है ना, सब बराबर हैं। अभी आप लोग को देखे हमको कह सकते कौन सा जात के हैं, नहीं कह सकते। अगर एक एक बच्चा इधर सोचे कोई ब्राह्मण पंडित का बेटा है, वो चोरी करता है तो हम लोग अरे पंडित का बेटा चोरी करते ऐसे कहेगा, नहीं ये तो चोर लड़का है, ऐसे पहचानते है ना जी। इसके बाद बताया महाराज, ऐसा है तो जो समाज में लोग कहता है ये ब्राह्मण लोग ही श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, बाकी लोग नीच है, ब्राह्मण लोग ही महाब्रह्म जी का दिल से उत्पन्न हुआ, बाकी लोग फूफों से जन्म लिया इधर उधर से, और ब्राह्मण लोग ही महाब्रह्म जी का दहेज है, बाकी लोग दहेज नहीं है, ब्राह्मण लोग ही
पवित्र हैं, बाकी लोग अपवित्र हैं। ब्राह्मण लोग हैं खूबसूरत हैं, बाकी लोग कुरूप बदसूरत बदसूरत हैं। ऐसा ये बात कहता है, ये बात सही है गलत है? गलत, बिल्कुल गलत है। इसके बाद बताएं महाराज आप क्या सोचते हैं, यहाँ कोई शास्त्रीय जात के कोई लड़का या लड़की अपना घर द्वार त्याग करके, शास्त्रीय जात के अपना घर द्वार त्याग करके चीवर पहनता है, चीवर पहन के वो प्राणियों को हत्या करना छोड़ देता है, चोरी करना छोड़ देता है, झूठ बोलना छोड़ देता है, इसके बाद सिर्फ सुबह दोपहर के पहले भोजन करता है, ब्रह्मचारी पालन करता है, वो धर्म की रास्ता पे रहता है, चलते रहता है, वो कौन है? वो भंते, लेकिन कौन सी जात से आ गया? शास्त्रीय जात से आ गया। सभी लोग राजा को नमन करना जैसे नमन करेगा, या तो फिर एक सीलवान गुणवान भंते जी को इज्जत करना जैसे इज्जत करेगा? राजा ने बताया भंते जी अगर ऐसा है तो हम उन लोग को नमन करते हैं, आते समय कुर्सी से उठते हैं और बैठने के लिए तुरंत एक आसन देते हैं, तथा चीवर पूजा करते हैं, भोजन पूजा करते हैं, चाय वगैरह बना पूजा करते हैं, दवा पूजा करते हैं और उन लोगों को सुरक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि भंते जी वो शास्त्रीय जो नाम था उसको शास्त्रीय नाम खत्म हो गया, हट गया, अभी उसके पास है भंते जी का नाम, अभी शास्त्रीय नाम है क्या? नहीं नहीं। इसके बाद बताया महाराज अगर कोई ब्राह्मण पंडित भगवान बुद्ध की धर्म सुनकर प्रसन्न हो गया, प्रसन्न होकर के सारे घर द्वार त्याग करके हम भी निर्वाण प्राप्त करेंगे, ऐसा सोच के बाल काट के चीवर पहन लिया, चीवर पहन के चोरी और झूठ सब छोड़ दिया, ब्रह्मचारी पालन करता है, सिर्फ दोपहर के पहले भोजन करता है, रात में नहीं, और ऐसा कल्याण धर्म की रास्ता पे, ज्ञान की रास्ता पे रहने वाले ब्राह्मण पंडित जी देख लिया तो आप क्या करेंगे? लेकिन पहले पंडित जी थे, अभी बनते जैसे देख लिया तो राजा को से पूछा आप क्या करेंगे? बनते जी अगर ऐसा कोई देखेंगे तो हम कुर्सी से उठेंगे, आना देख करके उनको बैठने के लिए आसन दे देंगे, नमन करेंगे, तथा चीवर भोजन चाय और दवा वगैरह हम पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, उनको सम्मान करेंगे, क्योंकि वो ब्राह्मण नाम से नहीं रहता है अभी, वो संत भंते जी का नाम से रहता है, इसलिए हम लोग उनको इज्जत करते हैं। इसके बाद बताते अगर कोई वैश्य परिवार के या तो फिर नीच जात के भी कोई ऐसा भगवान बुद्धि के धर्म सुन लिया, सुनने के बाद उसी धर्म तो कल्याण है, हम भी घर द्वार त्याग करके चीवर पहनेंगे, ऐसा कोई लड़का या लड़की बालुल खाट दिया, खाट के चीवर पहन लिया, चीवर पहन के वो सील सुरक्षा करता है, पाप नहीं करता है, दोपहर के पहले भोजन करता है और ज्ञान की रास्ता पे जाकर के ध्यान करता है, ऐसा कोई नीच जात के कोई देख ले तो आप क्या करेंगे? महाराज ने बताया बांते जी नीच जात के कोई देख लिया था भी अगर ऐसा जीवन उनके पास है तो हम लोग उनको इज्जत करेंगे, सम्मान सत्कार सेवा करेंगे, भोजन पूजा करेंगे, बैठने के लिए आसन पूजा करेंगे, पूजा करेंगे, दवा पूजा करेंगे, चाय पूजा करेंगे, चीवर भोजन पूजा करेंगे, क्योंकि अभी उस नीच जात के नाम से नहीं अभी वो भंते जी, अभी वो बराबर है, अभी उनको सारे देवताओं भी नमन करते हैं। इसके बाद बताया महाराज ऐसा है तो ऐसा देखेंगे तो हर एक जात तो बराबर है, अलग अलग नहीं है, कोई नहीं कह सकते अलग अलग है। इसके बाद महाराज बताया बांते जी सचमुच में बात सही है,
हर एक जात के लोगों का कोई फर्क नहीं दिखाई देता है, सब बराबर हैं। ऐसा है तथा महाराज, लोग कहता है ना ये ब्राह्मण लोग ही श्रेष्ठ होता है, बाकी लोग नीच है, अपर ब्राह्मण लोग की खूबसूरत है, बाकी लोग काले कुरूप है, ब्राह्मण लोग ही पवित्र है, बाकी लोग अपवित्र है, ब्राह्मण लोग महाब्रह्म जी का दिल से उत्पन्न हुआ, बाकी लोग इधर उधर से उत्पन्न हुआ, ब्राह्मण लोग ही महाब्रह्म जी का मुंह से जन्म लिया बाकी लोग हाँ इधर उधर से जन्म लिया। और ऐसा और महाब्रह्म जी ने ब्राह्मण लोगों को बना दिया, बाकी लोग पता नहीं दूर दूर तक बना दिया होगा। ऐसे जो कहता है वो सही है या गलत है? गलत है। आप भी देखिए, ऐसा लोग जात पात मानते हैं ना, अभी ऐसा देखेंगे तो कोई जात पात है क्या? नहीं, सब आदमी लोग का मान की प्रॉब्लम है ना, हम लोग उसी जात के हैं, हम लोग अरे पंडित जी उठो उठो ना, मन को पंडित जी प्रणाम पंडित जी इस बार पांडे जी कभी कभी पूरा गाली दे के जा रहा है, देखो पांडे जी गाली दे दिया कितना अच्छा है ऐसे कभी कभी हम देखे थे, कोई कोई दादा लोग ब्राह्मण लोग का कोई बेटा आ गया तो छोटा बच्चा आ गया तो अरे पंडित जी का बेटा रहता है ना, पंडित जी का बेटा बूढ़ा ब्राह्मण लोग भी दादा लोग भी नमन करता है, ऐसे होता है ना आप लोग का मामी पोलो कैसा है ना उन लोग को मान भी नहीं है ना ये सब बात, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि है समाज में ऐसा है। इसके बाद ये बोलने के बाद मधुरा पूरे पुराधिपति अवंतिपुत्र राजा महाकाच्यायन बंति जी को बताया, महाकाच्यायन बंति जी बहुत सुंदर है, खूबसूरत आपकी ये भाषण आश्चर्य है, हमको कुछ पता नहीं चला, हम भी विश्वास किए थे राजा बता रहे, हम भी विश्वास किए थे, मेरा मन में भी थे ऊंच नीच जात पात की बातचीत, हमारा मन भी ऐसा नहीं था, तो बांति जी हम आपको शरण में जाता हूँ, धर्म की शरण में जाता हूँ, संघ की शरण में जाता हूँ, ऐसे करके बताया। लेकिन महाकाच्यायन बंति जी बताया, महाराज आप मेरा शरण मत जाइए, आप भगवान बुद्ध के शरण में जाइए, मेरा शरण में जाने का कोई मतलब नहीं, वो मेरा भी गुरु है। तो बताया भगवान बुद्ध कहाँ है अभी? बताया महाराज भगवान बुद्ध अभी नहीं है, परिनिर्वाण हो गया। ठीक है बंति जी, मगर वो परिनिर्वाण जो हुआ ना, वो भगवान बुद्ध के शरण में मैं जाता हूँ, धर्म की शरण में, संघ की शरण में जाता हूँ। क्यों ये राजा भगवान बुद्ध के शरण में गया? क्योंकि भगवान बुद्ध की रास्ता पे कोई जात पात ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता, अमीर गरीब का भेदभाव भी नहीं होता, सभी लोगों को सुखी से जीवन बिताने का रास्ता है ना। इसीलिए अभी आप लोग को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गया जी, जात पात के बारे में जी, है ना। इसीलिए जो भगवान बुद्ध के रास्ता पे आता है वो लोग जात पात मानता है क्या? नहीं जी। ऊंच नीच मानता है? नहीं। वो सिर्फ मानवता मानता है ना जी। अच्छा अच्छा व्यवहार पुण्य को मानते हैं, इसीलिए तो आप लोग पुण्य करते हैं, इसीलिए आप लोग ज्ञान सुनने का मन करता है ना, तो आप लोग अभी ऊंचे हैं। और लोग ऐसा नहीं, पाप करते करते हमेशा रहता है, उन लोग ऊंचे हैं क्या? नहीं, नीच। उन लोग नीच है, जो कुछ कर्म करता है उसी के अनुसार ऊंच नीच होता है ना। अच्छा कर्म करेंगे तो उन लोग कौन है? ऊंच है। पाप करेंगे तो नीच। मैत्री करेंगे तो बहुत ऊंच जात के हैं। गुस्सा क्रोध करेंगे तो नीच जात के हैं, है ना। तो चाहे पंडित हो सकता है या तो फिर कोई राजा हो सकता है, मंत्री हो सकता है, अगर गुस्सा क्रोध करेंगे तो नीच है। अगर कोई झोपड़ी के रहने वाले कोई भिखारी हो सकता है, वो क्रोध गुस्सा नहीं करेंगे तो ऊंच है, दूसरों को परेशान नहीं करेगा तो ऊंच है। समझ में आ गया ना? ओ का संदान।
माया कथम पुण्य स्वामिना कथम पुण्य साधु साधु अनुमोदामि योगा सुवारिणे कथम संवक्ष्यामि बन्धे अपने जा रहे।